Hey guys, welcome back to another video. और आज हम खेलने वाले गैस स्टेशन सिमुलेटर। जैसे कि आप लोगों ने पहले वाली गैस स्टेशन सिमुलेटर की वीडियो के अंदर देखा ही होगा कि हमने उस वीडियो के अंदर अपने गैस स्टेशन के ऊपर पूरा पेंट वेंट कर दिया था और हमने एक वॉशरूम खरीद लिया था और एक और एक्स्ट्रा पार्किंग भी खरीद ली थी। और हमने सोचा था कि हम एक और चीज़ प्लान कर लेते कि हम अपने गैस स्टेशन के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक्स और चिप्स भी रख लेते, क्योंकि हम बस गैस बेच के हम इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते थे। तो इसलिए हमने अपने गैस स्टेशन के अंदर एक और नई चीज़ खरीद ली थी, एक न्यू बिल्कुल स्पेस खरीद लिया था जो कि था वेयर हाउस। वो वेयर हाउस हमने भी खरीद लिया था और पूरा हमने उसको रेनोवेट करके उसके अंदर हमने सारे सामान लगा लिया था और हमने बिल्कुल उसको एकदम अच्छी तरह सजा दिया। अभी हमने उस पर पेंट नहीं करा था क्योंकि अभी हम पेंट करना भी चाहते थे, क्योंकि हम पे भाई अभी पहले से इतना ज़्यादा काम हो चुका था कि हमने को टॉयलेट भी देखना था, क्लीन करना था, गैस स्टेशन में हमको अपना पूरा क्लीन करना था, फिर हमारे को वेयर हाउस अपना पूरा क्लीन करना पड़ेगा। तो हमने फिर वो सारी चीज़ें भी क्लीन करी तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और हमारी वो वाली वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी थी। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखे जो कि हमारी गैस स्टेशन का सेकंड पार्ट था, आई थिंक सो, हाँ सेकंड पार्ट था, वो वाली वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पे आई बटन में भी आ रहा होगा, आप उधर जाके देख लेना। वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया बनी थी। अब वो वाली वीडियो नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी हमारी स्टोरी नहीं समझ में आएगी, तो आप जल्दी से जाकर पहले वाली वीडियो देखो फिर आप ये वाली वीडियो कंटिन्यू कर लेना। और एक और चीज़, आप जल्दी से जाकर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में फॉलो कर लो, क्योंकि सबसे पहले जाकर मेरी जितनी भी हाईलाइट्स है मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाल देता हूँ आपको ज़्यादा, यानी आप जुड़े हुए रहोगे मेरे चैनल के साथ, आपको सारी चीज़ों की एकदम हाईलाइट्स मिलते रहेंगे और आप ज़्यादा थोड़ा एक्टिव रह पाओगे। तो अब जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपको वाली वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर से दबा देना, तभी आपको हमारी वीडियो की अच्छी अच्छी जो भी हम आपसे गेमिंग और व्लॉगिंग रिलेटेड सारी चीज़ें हम डाल, और आपको वाली वीडियो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। हम सारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी बनाते हैं, हम ट्रैवलिंग और व्लॉगिंग सभी इस चैनल पर डालते, तो आप जल्दी से आगे वाली सारी वीडियो भी देख लो। और अभी 15 अगस्त भी आने वाला है तो आपको पता ही होगा, अगर आप उसको पीछे से फॉलो करते हो तो क्या तहलका मचा देते हैं। सो अब जल्दी से अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, हम अपनी गैस स्टेशन की दुनिया में पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो अभी देखो क्या बढ़िया सा सूरज उग रहा है भाई, क्या ग्राफिक्स दिख रहे हैं गेम के, एकदम मज़ा सा आ रहा है। जैसे कि आप सब लोग देख ही पा रहे होंगे क्या बढ़िया सूरज उग रहा है। तो अब जल्दी से हम अपना गैस स्टेशन अभी ऑन करें या नहीं करें, या फिर हम पहले अपना गैस स्टेशन जल्दी से क्लीन कर लेते हैं उसके बाद हम देखते हैं हमने को क्या करना है। तो अभी हम खोलते नहीं और कुछ काम हम तो हमने वो दिखने के, तो अब जल्दी से अपना गैस स्टेशन पहले हम क्लीन कर लेते हैं थोड़ा बहुत, ये देख लेते हैं क्लीनिंग करना है कि नहीं, वैसे मेरे को लग नहीं रहा ज़रूरत है, तब भी ये थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं। तो काम तो भाई अपने को ही करना पड़ेगा क्योंकि अपन कोई एम्प्लॉय हायर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी अपने पे इतने ज़्यादा टच वो नहीं है, लाइक्स जो कहते हैं थम्स अप नहीं है, जिसकी वजह से हम अभी इतने ज़्यादा लोगों को नहीं बुला सकते। तो हम जल्दी से अपने गैस स्टेशन को क्लीन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये कूड़ा तो वैसे हमारे उसी से उगेगा, बैग से उठेगा, ये एग्जिट तक जाता है बारवाड़ी में से। तो जल्दी से हम अपना निकालते हैं बैग और इसमें इसको बटोर लेते हैं। तो ये वाला सारा कूड़ा भी हम पैक कर लेते हैं क्योंकि सारी चीज़ें अपने को देखनी पड़ेंगी क्योंकि अपना गैस स्टेशन है। तो जल्दी से सारा सामान हम उठाते हैं और इसको देते हैं बाहर फेंक। और इसे देता हूँ जल्दी से बाहर उठा के फेंक। चलो भाई जाओ अंदर अपना काम करो। अब यहाँ से भी उठा लेते हैं, सब यहाँ से भी उठा के, ओ भाई किधर गया, यहाँ से भी उठा लेते हैं जल्दी से, इसके अंदर ये भी फेंक देते हैं क्योंकि गैस स्टेशन अपने को क्लीन, ये उसी बच्चे का काम है गाइस जो कि रोज आके यहाँ कूड़ा कबाड़ा फैलाता है। तो पेंट भी अपने को ही करना पड़ेगा, तो पहले पेंट कर लेते हैं फटाफट क्योंकि सारी चीज़ें अपने को ही देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हम अभी कुछ इतना ज़्यादा उसको कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि अभी वो नया नया बच्चा ही है। कौन सा पेंट लूँ, मेरा वाला तो पेंट ही नहीं मिल रहा मेरे को, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा अपना पेंट। कौन सा था ये, का था ये था ना, तो क्या देखूँ यही था। ये नहीं था, कोई दूसरा पेंट था, वो किधर गया पेंट, मेरे को तो पेंट भी नहीं मिलता भाई इनमें, मेरे को लगा था इधर इनमें से कोई है ही नहीं। कलर प्ले
अभी छोड़ते हैं, अभी हम पंगे नहीं लेते, अभी इसको वाइट कर देते हैं। वाइट इतना पता नहीं चलेगा क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट वाइट ही कलर है, तो जल्दी से इसको वाइट कर लेते हैं क्योंकि अब देख लेंगे भाई कहाँ गए हैं कलर मैंने, क्योंकि पहले आप सबको दिखाया था कि मैंने एक कलर करा था और अभी तो वो हो गया। तो अब अपना टास्क देख लेते हैं, गैस स्टेशन ओपन करें या क्योंकि सामान भी भेजना, अपने पैसे बिल्कुल नहीं है, $511 है बस अपने पे, भाई इतने पैसों में कुछ भी नहीं मिल सकता अपने को। तो फिर जल्दी से अपना गैस स्टेशन भी खोल लेते हैं ताकि थोड़े बहुत भाई पैसे भी कमाने को मिले, क्योंकि फालतूगिरी करके यहाँ पे सफाई सफू करके हमने को इतने पैसे नहीं मिलेंगे। तो अपने अपना गैस स्टेशन ओपन कर दिया है, level 2 हमारा गैस स्टेशन हैगा। तो अपन देख लेते हैं, आप वेट करते हैं लोगों का आने का, अपना फर्स्ट कस्टमर का आने का, या वॉशरूम क्लीन कर लेते हैं क्योंकि वॉशरूम दिख ही रहा है, इन सबको छोड़ो बाद में क्लियर कर, तो वॉशरूम क्लियर कर लेते हैं अपना सबसे पहले, क्योंकि लोग आते हैं वॉशरूम यूज़ करते हैं, तो अपने को वॉशरूम भी क्लीन रखना है। आ जाओ कोई, आ जाओ। देख लो गाइस, अगर अपने जो गैस स्टेशन है उसके ऊपर लाइक हार्ट्स ज़्यादा होते तो अभी तक तो बहुत सारे जने आ जाने चाहिए थे, क्योंकि अभी हम सेकेंड लेवल पर ही है लाइक के, तो इसलिए अब लोग इतने नहीं आ रहे थे। फ्यूल चेक करो कितना है, 116 लीटर है, बहुत है, तो बहुत पेट्रोल है, गैस है, वो कोई कूड़ेदान दिख रहे हैं, वो गंदगी उड़ती हुई दिख रही है, ये मेरा वहम था गाइस, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि वहाँ पर कूड़ा हवा में उड़ रहा है, वहाँ हरा हरा क्या क्यों चमकिया सा सा हरा हरा सा बाहर आके दिख नहीं रहा क्या था वो, आ नहीं जा रहा मैं गेमिंग जोन में, कोई आ जाओ यार। ये चलो अपन बाकी काम करते हैं, अपना फर्स्ट टास्क कंप्लीट करते हैं, बाय अ वर्कशॉप फ्रॉम मेन पीसी। ओहो वर्कशॉप भी खरीदनी पड़ेगी क्या, वर्कशॉप रीस्टोर आ रहा है वर्कशॉप, तो रीस्टोर कर लूँ मैं, क्या करूँ रीस्टोर कर लेते हैं, $300 दे दे गाइस, $300 चलो दे देते, देख ले ओके, वर्कशॉप इज रीस्टोर, और चलो भाई बंदा भी आ गया, यानी वर्कशॉप का काम चालू करना था, अब अपने आप जने आते रहेंगे। चलो जल्दी जल्दी पेट्रोल देते हैं सबको, ओ भाई वर्कशॉप लेवल। अच्छा अब शायद हम अपने गैस स्टेशन अंदर लोगों की गाड़ी भी रिपेयर कर सकते हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे आके, आई थिंक सब अपने पे और ज़्यादा जगह खुल जाएगी भाई, सही है यार। ये तो अपन ने वर्कशॉप भी खरीद ली है अपनी, और ये कूड़ा पड़ा है भाई थोड़ा बहुत, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई कुछ काम हो और हमारे गैस स्टेशन में अपने को कूड़ा ना मिले, तो कूड़ेदान की तरह भाई, कूड़ा कूड़ेदान कूड़ेदान कूड़ेदान, क्योंकि गैस हमको कूड़ा सिर्फ कूड़ेदान के अंदर ही फेंकना चाहिए, बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इसलिए गंदगी ना फैले। वो बया नहीं है नहीं क्या अंदर, या भी मैं उधर ही जाऊँगा तो उठा के उसको अंदर फेंक दूँगा, स्कोर भी होते हैं गाइस इसके अंदर, मैं जितनी दूर से फेंकूँगा मेरे को स्कोर मिलेंगे नहीं क्या, चलो कुछ नहीं होता। तो अपन अपना काम करते हैं फटाफट, अपने ये रिस्टोर कर लेते हैं, और आई थिंक जो अपने को इसके अंदर वेट फॉर द क्लाइंट इन द वर्कशॉप एंड फिक्स हिज कार, कैश रजिस्टर पे एक बंदा है, अपना फर्स्ट टास्क किया ही है, तभी देख लेंगे अपना फर्स्ट टास्क, पहले हम अपना ये सामान फेंक के कैश रजिस्टर वाले बंदों को देख लेते हैं, भाई तीन तीन जने आ रखे हैं, सही है भाई अपना कैश रजिस्टर का काम सही चल रहा है भाई, अपने को ये भी टाइम टाइम टू क्लीन करना पड़ेगा, मेरा हाथ इस पर थोड़ा सा ही बैठ भी गया। और कुछ यानी सामान अपना बिक रहा है क्योंकि, ओ भाई थम्स अप, थैंक यू सर थम्स अप देने के लिए, जल्दी जल्दी आंटी जी आप भी आइए, आपको क्या चाहिए जल्दी जल्दी बताइए, सबसे भाई थम्स अप लेने हैं तभी अपने, ओहो आंटी जी कह रही है हमने इनको बजट पे इनका सामान दिला दिया, थैंक यू आंटी जी, जल्दी से अपने भी क्लीन करते रहना है क्योंकि ये फंसने लग जाते हैं भाई,
क्योंकि ये गैस स्टेशन हमारा एकदम रेगिस्तान की साइड पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, और उसकी वजह से भाई यहाँ पे गर्मी बहुत है और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा फैल जाती है, जिससे सामान बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा भी हो जाता है। तो ये चलना बंद हो जाती है मशीन। थैंक यू। तब देखते कोई जाना है, ओए कार रिपेयर पे कोई जाना भी आया तो उसको भी देखते जल्दी से जाके, पहले इनका सामान दे लेते हैं। अरे आंटी जी सॉरी, डिसलाइक दे दिया भाई। अरे यार इन आंटी जी ने तो डिसलाइक दे दिया, वो गलती से मैं थोड़ा जोश में आ गया था और मैंने थोड़ा वो ध्यान नहीं दिया, रुको यार क्योंकि गंदगी फैला दे यार ये तो बहुत ज़्यादा। पुलिस अंकल खड़े, पहले इनको सामान दे लेते हैं फिर आराम से चलते हैं, देखते हैं क्या चाहिए। पुलिस अंकल जी को एक ये चाहिए, लो अंकल जी थैंक यू। पुलिस अंकल जी ने थम्स अप उन आंटी जी का हमें दे दिया, जल्दी से आंटी जी आप भी सॉरी, वो आपकी जो बहन है जी थी वे गलती से चला गया। गाइस मैं थोड़ा ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि मेरे को कार रिपेयर करने का मन कर रहा है किसी के जाके, तो जल्दी से ये सारा सामान इनको देते हैं और कार रिपेयर करने चलते हैं। वन आइटम मोर बस, सॉरी खुद ही सामान उठा के लेंगे और फिर कह रही है आई डोंट आस्क फॉर दिस। बंदा खड़ा है भाई, इसकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है सर बताओ, टायर बेच देंगे हम सेकंड हैंड में तुम्हारी गाड़ी के, बताओ सेकंड हैंड गाड़ी बेच देंगे तुम्हारी 5 रुपये में। भाई काम करते हैं अपन अपना, और बटन दबाने वाला, दबा दिया 3 2 1 रिपेयर। ओ भाई करना क्या है, भाई करना क्या है बताओ तो भैया। अच्छा अपने को इसकी गाड़ी का क्या करना है, टायर रिपेयर करना है और एक शीशा। अच्छा पहले व्हील उठा के लाऊं, चलो व्हील उठा लेते हैं, पहले व्हील हमने उठा लिया गाइस और अब व्हील रिपेयर करते हैं। जल्दी जल्दी से हटाओ 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 हटाओ, जल्दी से हटाओ अंकल जी ये टायर हटाओ। अच्छा मेरे को हटाने, वैसे हट गया, दूसरा टायर हमने दिया लगा, ये भी लगा ये भी लगा ये भी लगा ये भी लगा, एक काम हो गया। एक चाहिए था शीशा, शीशा पड़े अपने पे, हाँ भाई वो शीशा पड़े यार, हमने अपनी वर्कशॉप रिस्टोर करी था, अपने को बहुत सारा काम मिला भाई। वह शीशा टाओ लगा दिया, शीशा भी थैंक यू हो गया। ये और कुछ भी है उसकी गाड़ी में, कुछ और प्रॉब्लम है यहाँ पर, कुछ और है। नीड द स्क्रैच रिमूवर। अच्छा स्क्रैच लगा हुआ है क्या इसकी गाड़ी पे, तो स्क्रैच रिमूवर कहाँ है अपने पे, मेरे को तो दिख नहीं रहा यहाँ। फ्यूल पे वन, भाई रुको यार पहले अपने फ्यूल वाले बंदों को देखते हैं, इस बंदे की गाड़ी आराम से देखेंगे। उधर स्क्रैच रिमूवर चाहिए अपने पे, है ही नहीं भाई कहाँ से तू स्क्रैच रिमूवर, अपने पे टायर और शीशे पड़े हैं बता भाई। जाओ यहाँ से जल्दी जल्दी फ्यूल लो, फिर उस बंदे का जाके ला ढूंढो या उसे पकाओ, क्योंकि अपन ने थोड़ा तो काम करा ही है, थोड़े तो पैसे देगा क्योंकि अपन ने टायर भी तो लगाया उसकी गाड़ी का। ये क्या स्क्रैच, अच्छा ये स्क्रैच रिमूवर यही तो है, थैंक यू भाई स्क्रैच रिमूवर, तू स्क्रैच चाहिए है। स्क्रैच तो असलियत में हट रहे हैं भाई, थैंक यू भाई मिल गए काम ही काम भाई, अब तो अपन प्रोफेशनल बन जाएंगे। ऑर्डर दी कार्ट पार्ट्स। अच्छा अब अपने को कार्ट पार्ट भी ऑर्डर करने पड़ेंगे, और अब अपने को कार पार्ट भी ऑर्डर करने पड़ेंगे। अच्छा ये रे कार्ट पार्ट्स, ओहो पता है अपने को ये चीज, तो क्या तो अपन ये होगा $85 का एक है ये, तभी उन्हें पड़े थे तो अपन 6 मंगा लेते हैं बोलते हैं। टायर्स महंगे चल रहे हैं, वैसे टायर अपने पे हैं, मिरर सस्ते मिरर मंगा लेते हैं 6 बस, अपने पे भी इतना ही रोकड़ा है जितने से अपन सामान मंगा सकते हैं, तो अपन यही ऑर्डर कर लेते हैं फटाफट। कोई ने को कम करके ऑर्डर, अच्छा 10 आइटम ऑर्डर हो चुके हैं अपन पे, अब और भी ज़्यादा सामान आ चुका है, क्या करना है। वेन्यू डिलीवरी ट्रक आई एम द पैक
आने तो भाई अपन ट्रक को देख लेंगे पहले, अपने फ्यूल व्यूल वाले जनों को देखते हैं और अपने इतने सारे जो जने खड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि पैसे कमाना भी नहीं रोकना कि अपन एक ही काम में लगे जाए और अपना पैसा सारा खराब जा रहा, बंदे आए जा रहे अपन इनको सामान नहीं दे रहे, तो अपने को सामान भी इनको देते रहना टाइम टू टाइम, क्योंकि भाई अपन ही चला रहे हैं पूरी शॉप, कोई अपने साथ है नहीं हेल्पर, अपन ने अभी लग नहीं रखा क्योंकि पहले हम खुद ही इतना कमाने लग जाए कि अपन खुद को ही काम कर ले अपना, तभी तो दूसरे को देख खरीदेंगे जो उसको जॉब पे रखेंगे। थैंक यू, टॉप द लाइन ही मिलेगा यहाँ पे सारा सामान काम मिलेगा। थैंक यू न्यू रजार डिलीवरी वेयर हाउस गेट, अभी जा रहा हूँ मैं, आई थिंक से वो कार पार्ट्स वाला बंदा आ चुका है, तो लेकिन हम पहले अपनी कार रिपेयर करेंगे क्योंकि काम पहले फालतू के काम बाद में, इसको फेंक के हो चलो। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने आज वाली वीडियो के अंदर देखा था कि आज हमने अपने गैस स्टेशन के अंदर एक न्यू स्पेस खरीद लिया, बहुत ही बढ़िया, जिसके अंदर हम अपनी गैस स्टेशन के अंदर कार रिपेयर भी कर सकते हैं, एक तरह से हमने कार रिपेयर शॉप खरीद लिया एकदम बहुत बढ़िया, जिसके अंदर हम अपनी ऑलमोस्ट सारे जितने भी जने अब कार भी हमसे रिपेयर करवा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा हाईवे था जहाँ पे जो भी एक भी कार रिपेयर शॉप नहीं थी, तो हमने अपने गैस स्टेशन के अंदर कार रिपेयर शॉप भी खोली, जिसकी वजह से अब हमारा गैस स्टेशन और ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, और हमने अपने गैस स्टेशन के अंदर थम्सअप लेवल 3 भी कर लिया, जिसकी वजह से अब और ज़्यादा लोग वो भाई झटके से इतनी ज़्यादा भीड़ आ जाती है कि हमसे संभालने भी नहीं आती। सो गाइस, आज वाली वीडियो के इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का ऑप्शन आता है ना उसे जरूर से दबा देना, ताकि आपको सारी वीडियो से पहले मिल पाए। सो गाइस, आज वीडियो के इतना ही, अब आपको मिलेंगे एक और नई बढ़िया सी गैस स्टेशन की वीडियो के अंदर। सो गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।